तेलंगाना स्टेट में है सर पर इलेक्शन, मुसलमानों को खुश करने और इनसे वादे करने का सिलसिला हुआ शुरू। वोट्स की खातिर किए जा रहे हैं बड़े बड़े बातें। चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के वैसे ही चुनके मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं अमल और दे रहे हैं एश्योरेंस और फिर दिखा रहे हैं हथेली में चांद। सिर्फ 5 साल में एक ही बार निकलते हैं बाहर और किए जाते हैं दौरे। जी हाँ, तेलंगाना स्टेट से वाबस्ता मिनिस्टर मल्लारेड्डी साहब से तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है, जो मेडिकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA हैं और वो फिर मल्लारेड्डी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन भी होते हैं, जिन्होंने 25 जुलाई मंगल के दिन मेडिकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के दबिलपुर विलेज में मुसलमानों से मुलाकात करके वहाँ की जामा मस्जिद और फिर बड़े व छोटे कब्रस्तान की हदबंदी के कामों को मुकम्मल करने का तयखुन दिया है। मिनिस्टर मल्लारेड्डी साहब ने मेडचल की जामिया मस्जिद की हदबंदी के काम को MLA फंड से कराने का एश्योरेंस दिया है और फिर बड़े व छोटे कब्रस्तान की बाउंड्री उठाने का काम उनके अपने ओन फंड से कराने का एश्योरेंस दे दिया है, जिस पर सभी मुसलमान बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और फिर स्पॉट पर ही जय मल्लन्ना के दबा के नारे देते हुए इनकी शॉलपोशी भी की गई। इस मौके पर ZPTC को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद गौस खान, शेख उस्मान बाजाबेर, कमाल अहमद अलिया साहेब भाई सुलेमान MPP, रजिता राजा मल्ला रेड्डी, दबिलपुर की सरपंच गीता भाग्य रेड्डी के अलावा माइनॉरिटी से अवस्था दूसरे यूथ भी मौजूद थे, जिससे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि आयन इलेक्शन से कुछ महीनों पहले बाहर निकलना और फिर मुसलमानों से वादे करना एक ट्रेंड बन चुका है। बाद में काम हो ना हो, मगर वक्तिया तौर पर तो बातों से सभी का दिल जीत लेना ये एक बहुत बड़ी कला होती है, जैसा कि KCR साहब ने भी अपनी कला को दिखाते हुए आज से 9-10 साल पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि भाइयों बहनों, आप लोग TRS पार्टी को जिता कर लाओ, 4 महीने के अंदर मैं मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दे दूंगा। मगर वो काम आज तक पूरा नहीं हुआ, शायद उनके 4 महीने अब तक भी पूरे नहीं हुए होंगे। जिस पर क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में मिनिस्टर मल्लारेड्डी साहब के बातों का ये मंजर भी एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है भैया, ये कब्रस्तान छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे दाऊद, अरे ये कब्रस्तान छोड़ देंगे पहले यहाँ पर। और एक खबर सुनो 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 बोलो बोलो टाइम नहीं है, 3 महीने को मेरे को इलेक्शन है, फिर मैं जीत के आता हूँ। अभी इसका बाउंड्री बना लो, आने के बाद वो दोनों का बाउंड्री बना। और एक बार इसके लिए गवर्नमेंट का पैसा देता हूँ 10 लाख, उसके लिए मेरा पैसे से बना दे। आज जाके इंटर कोई 10 लाख रुपये गोंडी वाल क्रैशेस आज 10 लाख रुपये गवर्नमेंट का मेरा MLA का फंड यहाँ पे जो दोनों कब्रस्तान का गोंडी वाल छोटे छोटे हमारा बेटा हमारा पैसे वन अमाउंट पूरा काम हो गया तीनों तीन जीत के आने के बाद में दूसरा देखेंगे जब पूछो। आपके बड़े भैया